भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारण किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक है तैयार। जी हां, भारत की सेना तैयार है। हम आज हम आपको हमारी आसमानी ताकत का एक ब्यौरा देंगे। जी हां, अलग अनूठे अनोखे अंदाज में मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, देश का सवाल छोड़कर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम कटिबद्ध हैं। भारतीय वायुसेना की अपील का हम सम्मान करते हैं। हम किसी भी हो रही युद्धाभ्यास की एक्सरसाइज का कोई भी विजुअल या तस्वीर नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो आज हम दिखाएंगे, जो बताएंगे, वो आपके दिल में ये विश्वास पैदा करेगा कि हमारे भारत की वायुसेना चीन से कम नहीं और चीन के दांत खट्टे करने के लिए वो तैयार है। विश्वास रखिए, इंतजार करिए और देश का सवाल छोड़कर आप कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी, लेकर आया हूं आपका सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल। भारत की कूटनीति में फंस चुका चीन अब समझ नहीं पा रहा कि करें तो आखिर क्या करें। एक तरफ वो बातचीत के लिए बार बार तैयार हो जाता है, दूसरी तरफ वो सीमा पर अपने जवानों की तैनाती बढ़ाता चला जाता है। जवानों की जगह किलर कमांडोज को तैनात करता है। ड्रैगन की ये सारी साजिशें भारत समझ रहा है और उसका मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। समंदर और जापान और अमेरिका उसके खिलाफ आग उगल रहे हैं और भारत के आसमान में 28 जुलाई से राफेल उसको जवाब देगा। इसके अलावा मिराज, सुखोई, तेजस, जगुआर, चीनुक जैसे वायुवीर तैनात हैं और इसराइल से बराक 8 जल्द आने वाला है। तो हम तैयार हैं। हम हमारे एयरबेस तैयार हैं, हमारे जवान तैयार हैं। क्या चीन के अंदर हिम्मत है भारत से टकराने की? आज इसी मुद्दे पर होगी बड़े पैनल के साथ बड़ी बहस, लेकिन आप उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अब राफेल कहर बरपाएगा, चीन मरेगा या फिर पीछे जाएगा? G20 किसी काम नहीं आएगा, चीन पर राफेल बम गिराएगा। चीन की चिता सजाने के लिए राफेल तैयार, ड्रैगन हो जाओ होशियार। चीन को सीमा पर चालाकी बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि भारत के वायुवीर अब राफेल से ड्रैगन की साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो चाहे सीमा पर किलर कमांडो लगा दे या आसमान में G20 विमान, वो भारत के हौसले और देशभक्ति के आगे टिकने वाला नहीं है। राफेल लड़ाकू विमान में से 4 लड़ाकू राफेल विमान भारत 28 जुलाई तक पहुंच जाएंगे। फ्रांस के बेड़े में भारत के लिए 3 और राफेल विमान तैयार हैं। उनको कब लेकर आना है यह फैसला भारतीय एयरफोर्स को करना है।
में नहीं आता और रडार तोड़कर हमला करने में सक्षम है। पीएल 13 और पीएल 14 मिसाइलों से लैस है, जिनकी मारक क्षमता 300 और 400 किलोमीटर है। ये 18,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। J-20 स्टील्थ विमान है, जिसकी खासियत है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आते। J-20 का दम भरने वाले चीन को पता है कि राफेल का सेंसर और रडार सिस्टम इतना ज्यादा एडवांस है कि वो J-20 को कहीं भी कभी भी मात दे सकते हैं। तो चीन को यह सोचना होगा कि उसका प्रोपेगेंडा भारी पड़ेगा या राफेल उस पर भारी पड़ने वाला है। चीन से सीमा विवाद के बाद भारत ने रूस से 33 सुखोई 30 MKI और MiG-29 जल्द से जल्द मांगे हैं, जो कभी भी हमारे बेड़े में शामिल हो सकते हैं। और इन सबसे बड़ी बात, रूस का 7400 एंटी मिसाइल सिस्टम हमें भले ही मिलने में देरी हो रही हो, इससे पहले हमें इजराइल अपना बराक 8 एंटी मिसाइल सिस्टम देने वाला है। इसके अलावा भारत के पास सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जगुआर और स्वदेश में निर्मित तेजस जैसे लड़ाकू विमान पहले से ही हैं, जो चीन की साजिशों को नेस्तनाबूद करने के लिए काफी हैं। इन सब के बीच खबर ये भी है कि भारत की तैयारियों से डरकर चीन भी सीमा पर तैनाती बढ़ा रहा है। उसने LAC के पास तिब्बत में पड़ने वाले 3 एयरबेस पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही LAC के पास कई इलाकों में नए हेलीपैड भी बना रहा है। साथ ही चीन अपनी चौकियों पर जवानों की जगह किलर कमांडोज तैनात कर रहा है, लेकिन भारत हर परिस्थिति से लड़ने और उसे जीतने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि हमारे जांबाज पायलट, यानी कि जब पवन पुत्र इस मशीन में बैठकर चीन के दांत खट्टे करेंगे तो चीन भी समझ जाएगा कि भारत से ना टकराना। अब कुछ सवाल हैं। चीन बिना युद्ध के पीछे नहीं हटेगा। ड्रैगन राफेल के आने से डरा हुआ है। बराक 8 मिसाइल सिस्टम चीन को तबाह कर देगा। तिब्बत के एयरबेस पर चीन क्या साजिश रच रहा है? भारत से डरा चीन, झूठा प्रोपेगेंडा भी फैला रहा है। जी हां, इन्हीं सवालों पर हम चर्चा और बहस करेंगे एक बड़े पैनल के साथ। पैनल में मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ होंगे, पैनल में मेरे साथ राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी हैं और मेरे अपने स्ट्रेटेजिक अफेयर एडिटर। और फिर मैं एक बार आपको दोहरा देना चाहता हूं, जी हां, कि मैंने आपसे वादा किया है कि आज एक अलग, अनोखे और एक खास अंदाज में हम आपको बताएंगे भारत की ताकत इसी देश का सवाल के टेबल से। आप देश का सवाल छोड़कर कहीं मत जाइएगा। आपके टीवी स्क्रीन पर, आपके टीवी स्क्रीन पर मां भारती की सेवा कर चुके दो सपूत, मेरे साथ मेजर जनरल JKS परिहार, मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, और आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी और कांग्रेस की तेज तर्रार और बेबाक प्रवक्ता साधना भारती जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं प्रेम जी और साधना जी आपके पास आऊंगा, लेकिन चूंकि सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि तीसरे दौर की सैन्य स्तर की बातचीत कल चुशूल में होनी है, इसके क्या मायने होने चाहिए, इसके आखिर क्या नतीजे निकलेंगे, इस पर मैं चर्चा करने के लिए मेजर जनरल परिहार, दो दौर की बातचीत कहीं दिखती नहीं कि जो तय हुआ उस पर चीनी सेना पीछे हटती नहीं दिख रही है और सीमा के लगभग और करीब आ रही है। देपसांग हो, देमचोक हो, आखिर चीन चाहता क्या है? स्कार्दू में वो अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। जल परियार, स्कार्दू के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, 2 महीने से कह रहा हूं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बाल्टिस्तान पे चीन की पूरी निगाह है और वो उसको एक तरह से अपनी कॉलोनी बना रहा है। अक्टूबर से चीन ने प्लानिंग की है, पर उनकी प्लानिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो जाने का तो उनका कोई, उनके तरफ से कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो जरूर इससे सरप्राइज्ड हुए होंगे कि भारतीय सेना का मोबिलाइजेशन डिप्लॉयमेंट इतना फास्ट हुआ है, इतना ज्यादा है कि उनको अब अपना टारगेट जो है वो लेने में बहुत मुश्किल पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जो भी कुछ करना का है वो डिसीजन उन्होंने
15-16 जून की रात की घटना के बाद में ले चुके हैं। देश जो है वो लड़ाई लड़ता है, आर्मी लड़ाई लड़ती नहीं है। हमारे पास में सारे रिफिल वगैरह, 45 दिन का गोला बारूद होना और पेट्रोल होना, इकोनॉमी को सेटल करना, ये सारे चीजें आपको युद्ध के साथ में देखना पड़ते हैं। युद्ध में वही जीतेगा जो पहले दिन पहले 3 घंटे में एयर स्ट्राइक सुपीरिटी ले लेगा। 3 दिन में आपको जो है ग्राउंड पे जो है सुपीरिटी लेना है और 7 दिन में अपना टारगेट हासिल करने की कोशिश करना है, मैक्सिमम 14 डेज। तो मुझे लगता है कि भारत इस दौर में इस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और चाइना को भी ये लग गया है। तो अब उनको ये फैसला करना है कि अगर भारत से लड़ाई होती है, लड़ाई होगी, तो मुझे लगता है हमें ही पहल करनी पड़ेगी। वो नहीं करेंगे क्योंकि वो टाइम बार्गेन कर रहे हैं, उनको पता है जगह राफेल लाएंगे और भारत स्ट्रांग होगा तो कोशिश। जनरल साहब, मेरा सवाल आपसे है, कल सुबह 10:30 बजे चुशूल में सैन्य स्तर की तीसरे दौर की बातचीत होनी है, इसके क्या मायने समझे जाने चाहिए? चीन बाज नहीं आ रहा, उसमें कुछ नहीं निकलेगा, वो उसमें कुछ नहीं निकलने, वो कुछ नहीं होने वाला उनमें। इन बातों से वो टाइम गेन कर रहे हैं, वो हाँ करते हैं कि हम इसको डी एस्केलेशन करेंगे, डिसएंगेजमेंट करेंगे, और उसके बदले में वो जो है वो अपना और उसको एग्रेसिव एंगेजमेंट कर रहे हैं। ये तो मैं पिछले 6 जून से अभी तक लगातार देख रहा हूँ, इन बातों से कुछ निकलना नहीं है। अगर कुछ निकलेगा तो वो प्रीमियर सिंह और प्राइम मिनिस्टर मोदी के लेवल पे ही निकलेगा। एक आखिरी बार मैं कहूंगा, आज देश जिस संकट से गुजर रहा है, अब हमें सेना के साथ में और सरकार के साथ में हर हालत में खड़े होना है, और 130 करोड़ भारतीयों के लिए एक ही नेता आज की तारीख में होता है। मैं उनसे राजनीतिक रूप से भले ही इत्तेफाक ना रखता हूं, मगर भारत के प्रधानमंत्री के साथ, सेना के साथ हमें कंधा से कंधा लगा के खड़े होने का समय आ गया है और इसमें अब कोई दोराय नहीं है, हमें उनकी बात को मानना है। जी जी जनरल साहब, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर जी हां प्रफुल्ल बख्शी साहब। और इससे पहले कि बख्शी साहब मैं आपसे सवाल लूं, मैं फिर इस समय देश का सवाल देख रहे दर्शकों को यह बता दूं कि अब से कुछ ही देर बाद, जी हां अब से कुछ ही देर बाद, यही देश का सवाल आपको अनोखे, अलग और अनूठे अंदाज में बताएगा कि आखिर भारत की तैयारी क्या है, भारतीय वायुसेना कितनी तैयार है। हम युद्धाभ्यास नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो दिखाएंगे उससे आपका हौसला दोगुना हो जाएगा। मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब। भारत का चीन को चौतरफा घेरने का प्लान तैयार, लेकिन चीन ने भी होतन, लासा, स्कार्दू, जेक्सा, यहां पर उसने अपने विमानों की तैनाती कर दी है, लड़ाकू विमान तैनात हैं, J-20 उसने स्कार्दू में 40 लड़ाकू विमान स्कार्दू पहुंचा दिए। प्रफुल्ल बख्शी साहब, बिल्कुल ठीक है, ये तो J-20 तो फ्लाइंग शुरू कर दी थी आज से 2-2.5 साल पहले, जब उत्तराखंड में हमारे गांव खाली हुए थे, चाइनीज वहां पे गांव में आ रहे थे, उस समय J-20 फ्लाई कर रहे थे, ये रिपोर्ट भी की गई थी और बात भी हुई थी। खैर, हमारी नींद नहीं खुली, वो दूसरी बात है। J-20 अब स्कार्दू में है Sukhoi-27 के साथ, तो इसका मतलब आपका टैक्टिकल बैटल एरिया ले ही नहीं है, आपका टैक्टिकल बैटल एरिया ले से लेके स्कार्दू, गिलगित बल्तिस्तान, पूरा पीओके एरिया तक आपका टैक्टिकल एरिया बन गया है। आपके चीन वहां से भी ऑपरेट करेगा और इधर से भी ऑपरेट करेगा, तो अब ये देखना है कि हम इस चाल को किस तरीके से नेगेट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो एक एयरफोर्स है, एब्सोल्युटली जो फाइटर एयरक्राफ्ट जो हमारे पास इक्विपमेंट है, वो एब्सोल्युटली क्लियर है इस बात के, वो उनकी जो कैपेबिलिटी है वो इसी टेरेन के लिए है और बहुत अच्छी है। अभी रफाइल की बात हो रही थी, रफाइल आइडियल एयरक्राफ्ट है। अभी अभी अगर हमने रफाइल का इस्तेमाल किया वैली के अंदर, टारगेट को पिकअप करना, हाइट पर टारगेट को अटैक करना, क्योंकि उसका रेट ऑफ टर्न और रेट ऑफ क्लाइम इतना अच्छा है कि वो इस टेरेन के लिए बहुत बढ़िया है और चीन को पता है। और जो J-20 की बात हो रही थी स्टेल्थ की, उसकी लिमिटेड स्टेल्थ क्वालिटी है, जो कि ग्राउंड रडार को थोड़ी देर इवेड कर सकती है, पर माइका मिसाइल को और मिट्योर मिसाइल जो रफाइल पर लगी है उसको नहीं इवेड कर पाएगी, वो उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, ये जी उनको पता है। ये स्टेल्थ उन्होंने उसका प्रोपोगेंडा किया हुआ है, बड़ी मिनिमम स्टेल्थ क्वालिटी है उसकी। और जो हमारा रफाइल की सुपर क्रूज क्वालिटी है, उसको चीन भली भांति जानता है, इसीलिए चीन खौफ में है। और मैं बता दूं, चीन
होप कर रहा है कि भारत लड़ाई ना करे ताकि वो जहां बैठा है बैठा रह जाए और उसको फायदा हो जाए। चीन बिना लड़े फायदा उठाना चाहता है, ये चीन का गेम है। और चीन पीओके में प्रेशर डाल रहा है ताकि भारत वहां पे प्रेशर ना डाले, क्योंकि हमने स्कार्दू और बाल्टिस्तान का की बात करी थी, चीन वहां पहले पहुंच गया। क्योंकि हम इनिशिएटिव नहीं लेते, लेता है एनिमी, तो हमको रिएक्ट करना पड़ता है। प्रफुल्ल जी, रिएक्शन का काम है। पर बख्शी साहब अब वो वक्त आ गया है जो आप में रोमांच भर देगा। इस समय जो इंडिया न्यूज का देश का सवाल देख रहे हैं वो रोमांचित हो जाएंगे। हम वो चीज आपको दिखाने जा रहे हैं। मेरे सहयोगी आशीष सिंह जी, हाँ, स्ट्रेटेजिक अफेयर एडिटर, आपके सामने हमारे दो घातक लड़ाकू, जी हाँ, राफेल, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, राफेल और मिराज 2000 की खूबियों को आपको बताएंगे, समझाएंगे। करीब से देखिए और जानिए और अपनी भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना पर फक्र कीजिए। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। और इससे पहले कि हम दर्शकों को बताएं एग्जैक्टली नुआंस तरीके से, एकदम बारीकियों से, कि राफेल फाइटर जेट और हमारे साथ में एक और है मिराज 2000, जिसे बालाकोट बॉम्बर्स भी कहते हैं। मैं ये दर्शकों को पहले बता दूं कि ये स्केल मॉडल है, ये कोई मार्केट में मिलने वाला खिलौना नहीं है, ये स्केल मॉडल है। इसका मतलब है कि एग्जैक्टली जो रियल फाइटर जेट है उसका अनुपात अगर छोटे तरीके से किया जाए तो वो ये होगा। और ये उनके प्रॉपर मैन्युफैक्चरर से है, जो राफेल के रियल फाइटर जेट बना रहे हैं वही उन्हीं लोगों ने, उन्हीं कंपनीज ने इस स्केल मॉडल को बनाया है। अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो मेरे दाई तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये है मिराज 2000। दो वजह है कि मैंने इन दोनों फाइटर जेट्स को यहां पर दर्शकों के सामने दिखाने के लिए लाया हूं, क्योंकि एक ने स्ट्राइक कर दिया है बालाकोट एयर स्ट्राइक में। इस फाइटर जेट ने, मिराज 2000 ने स्ट्राइक कर दिया है। और जो मेरी बाई ओर है यह है राफेल, अगले महीने आ रहा है और पूरे चांसेस है कि चीन अगर मानेगा नहीं तो यह वाला फाइटर जेट अटैक करेगा। और जिस तरह से हम दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से नंबर्स को एक्सपेडाइट किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा फाइटर जेट्स आ सके, जुलाई की 28 तारीख तय हुई है और इसीलिए चार राफेल फाइटर जेट्स आएंगे, उसके बाद में और भी राफेल फाइटर जेट्स आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अब दर्शकों को बताने जा रहा हूं वो है कि केवल राफेल नहीं, आपने जो देखा वो राफेल था, अब मैं आपको उसकी दूसरी तरफ दिखाता हूं। थोड़ा जूम करके दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं केवल फाइटर जेट पे, ताकि दर्शकों को समझ में आ जाए कि केवल राफेल फाइटर जेट नहीं, जो वेपन पैकेज उसके साथ में आ रहा है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स जो कि स्केल मॉडल में लगी हुई है, ये आपको दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है। ये उसके वेपन पैकेज है, उसमें हैमर मिसाइल है जो आपको हरी कलर की मिसाइल दिखाई दे रही है, ये हैमर मिसाइल है। इसके अलावा माइका स्कैल्प मिसाइल उसके अंदर, और फिर आपको अंदर दिखाई देंगे वो उसके कैप्सूल हैं, साथ ही बाहर जो मिसाइल्स हैं माइका स्कैल्प, ये सारे सारे वेपन पैकेज के साथ में आ रहे हैं। मैं बता दूं उसमें से बहुत ज्यादा डिटेल में न जाते हुए, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी और ऑपरेशन वाले मामले हैं, लेकिन कम से कम 150 से 200 किलोमीटर तक रेंज वाली ये मिसाइल्स हैं, जो कि पायलट को अगर सामने से आते हुए दिखाई भी नहीं देगी, चीनी पायलट अगर होगा तो, पाकिस्तानी पायलट्स को पता ही है इसलिए वो दूर दूर तक भटकेंगे नहीं, इसीलिए उन्हें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स कहा जाता है। और ये सारे आपको जो मिसाइल्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे राफेल के साथ में लोडेड होके आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये मोमेंट जब अगले महीने आएगा, लगभग एग्जैक्टली एक महीने बाद, आप मान लीजिए जो आपको तिरंगा दिखाई दे रहा है राफेल फाइटर जेट के ऊपर, इस तिरंगे के लिए भारतीय वायुसेना ने और इस सरकार ने, इससे पहली वाली सरकारों ने दशकों तक मेहनत की है कि इस राफेल फाइटर जेट पर तिरंगा लग जाए। और ये हम एग्जैक्टली स्केल मॉडल जो आपको ये गोल दिखाई दे रहे हैं, ये तिरंगा है, सामने भी तिरंगा दिखाई दे रहा है, ये सिंगल सीटर है। और इसीलिए इस तरह के फाइटर जेट का इस्तेमाल जब भारतीय वायुसेना करेगी, दूर दूर तक चीनी वायुसेना भटकेगी नहीं। तो जो दाएं तरफ है मिराज 2000, बहुत ज्यादा इसमें इसको बताने की दर्शकों को जरूरत नहीं, क्योंकि ये पुराना एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसने अटैक किया पिछले साल पाकिस्तान पे। और अब हमारे पास जो मेरे बाईं तरफ है राफेल फाइटर जेट,
अब ये इस्तेमाल होगा अगर ड्रैगन नहीं मानेगा तो। जी जी आशु, एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब, चूंकि मैं जानना चाहूंगा F-16 के मुकाबले ये ऊंचाई और लंबाई में भी बड़ा है जो मेरी जानकारी कहती है। हाँ बिल्कुल, और ये इसकी जो ऊंचाई और लंबाई के साथ ही साथ अगर आप देखें मनीष जी, ये मीडियम मल्टीरोल कैटेगरी में आता है, थोड़ा बहुत उसमें साइज और उसका जो वजन है उसकी डिफरेंस है F-16 के मुकाबले। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है इस राफेल फाइटर जेट में कि इसके एवियोनिक्स जो बेसिकली सॉफ्टवेयर या फिर जो रेडार्स और बाकी चीजें आप देखें वो आला दर्जे के हैं, इससे ऊपर के फाइटर जेट कोई है नहीं अभी फिलहाल इस कैटेगरी में। जी जी आशीष, आपने जिस तरीके से समझाया मुझे ऐसा लगता है देश का सवाल में आज देख रहे तमाम दर्शक ये जान गए होंगे कि भारत की ताकत, भारत को किसी भी कसौटी पे अगर चीन ने यह दुस्साहस किया परखने की तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी ही। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो अपने सियासी नुमाइंदों से पूछेंगे कि अब विश्वास हो गया। और आशीष, आपने बोलते बोलते ये जरूर कहा कि सरकारें कोई भी रही हो कोशिश सबकी रही है राफेल जब भारत पहुंचेगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर, इंडिया न्यूज और पेटीएम फर्स्ट गेम्स मिलकर एक क्विज लेकर आ रहे हैं। इस क्विज में आपसे रोज इंडिया न्यूज के शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9 बजे के बुलेटिन में सवाल पूछे जाएंगे। इसके जवाब पेटीएम फर्स्ट गेम्स पर देने वाले लकी विजेताओं को पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप के जरिए 10 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। तो आपके टीवी स्क्रीन पर आज का सवाल, सवाल है इंडिया न्यूज पर चलने वाले शो कोई बात चले का प्रसारण समय क्या है। विकल्प ए सुबह 9 बजे, विकल्प बी सुबह 11 बजे, विकल्प सी दोपहर 2:30 बजे और विकल्प डी शाम 7 बजे। जवाब देने के लिए अभी डाउनलोड कर लें पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप और विजिट करें paytmfirstgames.com। और अब वक्त है हेडलाइंस का। देश का सवाल में ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। और जैसा कि मैंने कार्यक्रम के शुरू होते ही आपसे कहा था, आज देश का सवाल में रोमांच बना रहेगा क्योंकि आज जो आप देखेंगे, आप जो आप समझेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी सेना पर फक्र होगा। मुझे लगता है कि राजनीतिक दल सेना पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। तो आइए, मेरे साथ मेहमान लगातार बने हुए आशीष, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मेरे साथ राजनीतिक दलों के दो मेहमान, बीजेपी से प्रेम शुक्ला और कांग्रेस से साधना भारती जी जुड़ी हुई है। प्रेम जी, आपने अगर केंद्रीय मंत्री और पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह का एक टीवी वीडियो ऑडियो अगर आपने देखा होगा तो इससे क्या यह मान लिया जाए कि जनरल वीके सिंह ने जो 15 जून की घटना पर कहा है वो सरकार का आधिकारिक बयान है? देखिए, संदर्भ में सरकार को आधिकारिक बयान देना तो विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, क्योंकि रक्षा मामले का है तो रक्षा मंत्री इस पर बयान देंगे। लेकिन जनरल वीके सिंह सेना के मामलों के विशेषज्ञ है तो उन्होंने भी जो जानकारियां दी हैं उन जानकारियों को भी स्वीकारना चाहिए। जी प्रेम जी, प्रेम जी आपने बहुत थोड़े में बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। साधना भारती जी मेरे साथ हैं। साधना जी, आपने भारत के शौर्य पराक्रम के साथ साथ आपने आज जो टीवी स्क्रीन पर देखा है, अगर आप अभी इस समय सीधे प्रसारण के लिए मेरे साथ हैं और आपके सामने अगर मॉनिटर है तो कोई सवाल तो जरूर आप नहीं उठाएंगी, लेकिन मेरा सवाल जरूर आपसे है कि ऑल पार्टी मीटिंग में आप कहते हैं कि हम इस समय देश के साथ हैं और बाहर आते ही चीख पुकार चालू। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कह दूं कि सेना के पराक्रम पे कांग्रेस पार्टी ने कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। मैं कहती हूं कि क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वो विशुद्धता, वो बर्बरता, हमने उसको शुद्ध किया और हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। परंतु मैं पूछना चाहती हूँ, आपने कहा हम सवाल उठा रहे हैं, हमेशा से यही रहा है मनीष जी कि विपक्ष सवाल पूछता है और सरकार
एक्शन लेती है। अब ये कैसी सरकार है जो सवाल पूछती है? हमेशा यही रहा है कि सरकार के पास शासन प्रशासन है, जनता उन्हें नवाजती है, सीट देकर सत्ता में बिठाती है, तो आप एक्शन लेने का काम कीजिए ना। तो सवाल उठाना हमारा काम है, हम उठाएंगे। आपने सर्वदलीय बैठक की बात की और कहा बाहर आते ही चीख पुकार करने लगे। जब सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी, अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे ना, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, अरे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की बयानबाजी को सुनिए और प्रधानमंत्री की बयानबाजी को सुनिए, दोनों विपरीत होती हैं एक दूसरे से। तो इसीलिए जिस पार्टी ने रक्षा सौदों में दलाली खाई हो, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, मैं भाजपा की बात कर रही हूं, जो पार्टी सेना का अपमान करती है, ये कहकर आरएसएस अपमान करती है कि अरे हमारे तो लोग सीमा पर जल्दी पहुंच जाएंगे, साधना जी आपके पास कोई प्रमाण है? आपके पास कोई प्रमाण है एनआरएफ और आरजीएफ को लेकर जो पार्टी सवाल उठा रही है, इसलिए आप कुछ भी बातें कह देंगी जिसका आपके पास इस समय कोई प्रमाण नहीं है? अरे कुछ भी नहीं कह रही हूँ मनीष जी, आप बताइए, पेटीएम से जिसका 38% चाइना को जाता है, उससे इन्होंने 100 करोड़ रुपए का दान लिया कि नहीं लिया? पूछिए प्रेम शुक्ला जी से, पूछिए क्या क्या हुआ ही कंपनी जिसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, जो कि जिस देश में काम करती है, चूंकि आज कार्यक्रम हमारे पराक्रम, हमारे शौर्य और हमारी ताकत पर हो रहा है, तो मैं ये चाहूंगा कि ये सारी बातों पर ज्यादा फोकस ना करें। हमारी जो एग्रेसिव अप्रोच है सेनाओं की, उस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रेम जी साधना भारती का आप जवाब दे दे, फिर मैं वापस उसी मुद्दे पर लौटू जिसके लिए आज दर्शक टकटकी लगाए देश का सवाल देखा। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में दलाली हुई, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में दलाली हुई, राजीव गांधी दलाली के कारण सत्ता से बाहर हुए, किसका नामा था बता दीजिए, राहुल गांधी किसके साथ विमान सौदों के लिए ही बीच में जाकर अय्याशी कर रहे थे ना, कांग्रेस भी बुलाए थे, अरे बीच में आपसे नहीं बोल रहा था जी, आराम से चीखिए पुकारी है, बीच में नहीं बोल रहा था, आप क्यों चीख रही है मनीष जी जरण को? और मुझे लगता है कि विमर्श कट की तमीज भी सिखाइए, बदतमीजी ना करें यहाँ बैठकर। साधना जी मेरा आपसे आग्रह है, संजीदा और संवेदनशील मुद्दा है, इसमें व्यक्तिगत होकर या राजनीति करने के लिए देश का सवाल नहीं, जो अगर आपको राजनीति करनी है, संसद खुली हुई है। अरे भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानती क्या? किस शब्दावली का प्रयोग कर रही है आप? दलाली करेंगे किसकी? देगा कौन? दुनिया मायनों से लेकर राहुल गांधी से जो दलाली की कोशिश है, बेहतर कच्चाधारी सेना का अपमान करते हैं तब कुछ नहीं कहते, पेटीएम से योगदान आप लेते हैं तब कुछ नहीं कहते। प्रेम जी साधना जी, रक्षा सौदों के दलाल प्रेम जी साधना जी यहाँ पर रक्षा सौदों में दलाली की चर्चा के लिए आप जैसे बुद्धिजीवी यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं। मैंने तो केवल आप लोगों से सवाल किया था, लेकिन सवाल इतना भीषण हो गया कि मैं अपने मुद्दे पर आने की बजाय आप लोग गड़े मुर्दे उखाड़ने में लग गए। मेरा आपसे आग्रह है, इस समय रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है, हमारे साथ आशीष सिंह है जो खुद रफाइल जहां से बनकर आ रहा है डसॉल्ट गए थे, मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब है। बख्शी साहब, आज आपने देखा आशीष ने एक एक बारीकियां जो समझाई है रफाइल की, मिराज 2000 की, मुझे लगता है कि देश आश्वस्त है, देश सुरक्षित हाथों में है। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। जो आशीष साहब ने बताया अभी रफाइल की जो क्वालिटीज, उसकी मिसाइल्स और उसके और भी हैं, उसकी जो पेवे बॉम्ब है, लेजर गाइडेड बॉम्ब है, वो उनकी भी बहुत क्वालिटी है। अगर रफाइल की क्वालिटी गिनाएं तो आपको पूरा एक प्रोग्राम करना पड़ेगा। पर यह याद रहे कि अब इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी और हम रफाइल बनाएंगे, उसका R&D भी करेंगे, इसीलिए हमारी जो है लोकल इंडस्ट्रीज अब रफाइल को तैयार करेगी। ये डसॉल्ट ने एग्री कर लिया है, सो हमारे को अब इस बात की चिंता नहीं करनी। पर अब ये जो 6 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इससे ज्यादा और एयरक्राफ्ट लें, चाहे वेट लीज पे लें चाहे ड्राई लीज पे लें। इस टाइम के लिए हमको अब कम से कम करीब 20 एयरक्राफ्ट और चाहिए होंगे। बख्शी साहब मैं चाहूंगा कि आशीष से हम और बारीकियां समझ लें और उसके बाद हम आपसे भी आपकी राय ले लें।
हालांकि ये अपने आप में एक ऐसा पवन पुत्र इसमें जब विराजेगा और जब आसमान में गर्जेगा। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, आप डिबेट आगे बढ़ा रहे हैं। साधना जी, मेरा सवाल आपसे नहीं है, मेरा सवाल आपसे नहीं है, मैं रक्षा विशेषज्ञों से बात कर रहा हूँ। मेजर जनरल परियार, इस समय साधना जी की आवाज डाउन की जाए। मेरे साथ मेजर जनरल परिहार। जनरल साहब, जिस तरह से चीन ने उनके मार्शल कमांडो की तैनाती की है, हमारे भी घातक कमांडो उनसे दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। देखिए, कमांडोज जो है वो हर इन्फेंट्री बटालियन में होते हैं और ये मार्शल आर्ट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैसे भी अब जो लड़ाई होनी है वो धक्का मुक्की और कुश्ती की नहीं होनी है, अभी तो गोलियों की और वेपन्स की पूरे फुल ऑल आउट वार होता है। तो अब ये मार्शल आर्ट वालों से मेरे को कोई चिंता है नहीं, मैं उसको बिल्कुल ही वजूद उनका मैं कोई देता नहीं। हमारे पास उनसे अच्छे मार्शल आर्ट ट्रेंड पैरा कमांडोज हमारे होते हैं जो वहां पर बैटल फील्ड में अवेलेबल होते हैं, तो वो तो आप भूल जाइए कि ये कुछ हमारे ऊपर कर सकते हैं। मेरी चिंता जो है वो मैं मेरे डोमेन में नहीं है, आपने मुझे रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे बुलाया है, मगर जो कुछ मैंने आज सुना और ये है, मैं ये सोच के मैं काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस जनतंत्र की दो महान पार्टियों को ये देख रहा हूँ तो देश कैसे चलाते और कैसे चलाएंगे, ये मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है। और सारा दुनिया देख रही है, 130 करोड़ क्या हम इम्प्रेशन लेंगे, हम इतने गंभीर समस्या में बड़े हैं, आज हमको सबको साथ रहना है और भारतीय फौज जो है इसका मुकाबला कर लेगी, मुझे पूरा भरोसा है। जल साहब, देश का सवाल में इसीलिए आज आशीष सिंह जो हाल ही में लेह लद्दाख रहकर आए, वहां पर उन्होंने कई वहां से जो जानकारियां और ताजा अपडेट्स दी, और उसके साथ साथ जहां से राफेल बनकर आ रहा है डसॉल्ट भी आप गए थे, तो मैं आशीष फिर एक बार चाहूंगा कि आप राफेल और आपकी टेबल पर रखे मिराज 2000 की वो बारीकियां वो खूबियां इस समय देश का सवाल देख रहे दर्शकों को बताएं, समझाएं और आत्मविश्वास को चार गुना दोगुना करें। बिल्कुल मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से जब मैं डसॉल्ट और सैफ्रान जो कि इंजन मैन्युफैक्चरर है दोनों के हब्स में गया था, पेरिस से ही लगभग कुछ किलोमीटर की ड्राइव, कुछ घंटे की ड्राइव पर ही है, ये बहुत ही दर्शकों को जानना जरूरी है कि केवल जो 4 या 6 राफेल हमारे पास आ रहे हैं महीने भर बाद में, उससे ज़्यादा भी राफेल्स हमारे पास लाने की क्षमता है। और इसलिए क्योंकि देखिए, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री गए थे पेरिस में अक्टूबर में, जब दशहरा के दिन उन्होंने पूजा की थी, उसके दिन से ही हमारे पास फर्स्ट सेट ऑफ राफेल्स हमारे इन्वेंट्री में आ गए थे इंडियन एयरफोर्स। आपने बोलते बोलते एक बहुत खास बात कही कि दशहरे के दिन पूजा की थी, इसका मैं महत्व आपको बताऊं, ये विजयादशमी उत्सव होता है और मुझे ऐसा लगता है कि जब राफेल भारत में आएगा आज से एक महीने बाद तो विजयादशमी उत्सव मनेगा। बिल्कुल, और विजयदशमी के लिए, और इसीलिए ये राफेल्स बहुत जरूरी हैं कि चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन या फिर दोनों साथ में, हम उस पर विजय कर लेंगे, बस कुछ और हफ्ते भर की ये देरी है कि ये राफेल आ जाए। और मैं आपको दर्शकों को ये भी बता दूं कि अगर, समझिए, खुदा न खास्ता, होना नहीं चाहिए, किसी को युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन अगर कल वॉर छिड़ जाए तो कम से कम मैं बता रहा हूँ 6 राफेल फाइटर जेट रातों रात उड़कर पेरिस से यहाँ पर, ऑब्वियसली टैंकर्स उसको एस्कॉर्ट करेंगे और बाकी फाइटर जेट्स उसको एस्कॉर्ट करके लेके आएंगे, आ सकते हैं। उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है। सबसे पहले मैं जैसे ही बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा प्रोड्यूसर से कि वो राफेल्स पर भी दर्शकों को दिखाएं स्केल मॉडल के जरिए। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे कि ये आपको फाइटर जेट दिखाई दे रहा है, ये सिंगल सीटर है, इसमें आपको एक पायलट दिखाई दे रहा है, और वैसे ही ऐसे 8 ट्विन सीटर जो कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी कहे जाते हैं वो हैं। इसमें से हमारे पास जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं उसकी भी डिलीवरी शुरू हो रही है और सिंगल सीटर की भी डिलीवरी शुरू हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न केवल इंडियन एयरफोर्स का जो पूरा क्रू है वो ट्रेंड हो चुका है ऑलरेडी। आशीष एक सेकेंड, मैं ये चाहूंगा पीसीआर की आशीष का सिंगल फ्रेम बनाया जाए और राफेल की बारीकियों को आशीष जो समझा रहे हैं वो दिखाया जाए। शुक्रिया मनीष जी। तो ये सिंगल सीटर फाइटर जेट है, ऐसे 8 हमारे पास ट्विन सीटर है जो आपको एग्जैक्टली, क्योंकि ये स्केल मॉडल है, आपको बारीकी से एक एक खूबियां दिखाई देगी राफेल फाइटर जेट की। ये सिंगल सीटर है, ऐसे 28 हैं और ट्विन सीटर 8 है, इस तरह से 36 है। जो हमारे पास 6 राफेल आ रहे हैं वो सारे के सारे वेपन पैकेज के साथ में और सिंगल और ट्विन सीटर दोनों आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है
कि न केवल इंडियन एयरफोर्स के जो रफाल फाइटर जेट्स हैं जिस पर ये तिरंगा लग चुका है वो कभी भी भारत ला सकता है, बल्कि भारतीय एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो अक्टूबर से लेकर अभी तक, मतलब 8 महीने मान लीजिए, कि पूरी तरह से एक एक जो आपको वेपन पैकेज दिखाई दे रहा है, हर एक वेपन को फायर करने में, एवियोनिक्स में, रेडार्स में, मनूवरिंग में, हर एक चीजों में उन्होंने महारत हासिल कर ली है। और मैं एक दो और तीन पायलट की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम ऐसे 14 पायलट्स को इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर जेट्स पर ट्रेनिंग दी जा चुकी है और नए बैच की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, वो शुरू है। तो अगर अभी जरूरत पड़ जाए, अभी के अभी एक या दो दिन के भीतर में हमारे पास रफाल फाइटर जेट्स आ जाएंगे भारतीय आसमान में उड़ते हुए, चीन को आंख दिखाते हुए। सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक और बात बता दूंगा मनीष जी, कि इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो लगातार कई महीनों से, 8 महीनों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, और अब जरूरत पड़ेगी तो जो वेट लीज और ड्राई लीज वाली बात चल रही थी, क्योंकि फ्रांस के साथ हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, तो ये जो 100 एविएशन का मिराज 2000 है जिसने पाकिस्तान पर अटैक किया, और रफाल फाइटर जेट जो कि चीन को ध्यान रख के लिया जा रहा है, दोनों ही एक ही मैन्युफैक्चरर से हैं, 100 से, 100 एविएशन से, यानी एक फोन उठाने भर की देरी है, तब चाहे आप ये मंगा लीजिए या फिर ये मंगा लीजिए। इसने पाकिस्तान पर अपना कमाल दिखा चुका है ऑलरेडी पिछले साल, और ये फाइटर जेट, रफाल फाइटर जेट आगे वापस चीन पर, चीन और पाकिस्तान दोनों में से कहां भी जरूरत पड़ेगी उस पर दिखा सकता है। एक प्रधानमंत्री मोदी जी फोन उठा के कहेंगे मैक्रोन से और फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, और ऐसे एक नहीं, छह नहीं, आठ नहीं, लगभग कम से कम 150-200 स्क्वाड्रन रातों रात दो दिन के अंदर में भारत की आसमान पर दिखाई देंगे। इन सबके साथ में केवल रफाल फाइटर जेट नहीं, ये जो नीचे लगे हुए हैं ना वेपन्स, ये चीन की नींद उड़ा के रखे हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि एक एक मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज, एक एक मिसाइल मात्रा रखती है, कि चाहे वो J7 हो, J11 हो, J12 हो, J20 हो, जो फाइटर जेट चीन के लेके आने ले आइए, रफाल्स की एक एक मिसाइल एक एक फाइटर जेट को निस्तो नाबूद कर सकती है। जी जी आशीष, आपने जिस विस्तार से समझाया है, मुझे ऐसा लगता है कि साम्राज्यवादी विस्तारवादी चीन जान ले, समझ ले कि भारत के पास वो ताकत है जो उसको आसमान में धूल चटा सकती है। जी हाँ, एक छोटा सवाल मेजर जनरल परिहार, आपके आपसे मैं पूछना चाहूंगा, विस्तारवादी चीन भारत के साथ साथ जापान से भी भिड़ने की तैयारी कर रहा है जनरल साहब? जी हाँ, वो उनका चारों तरफ है, जापान से भी लगे हैं, वियतनाम से भी लगे हैं, भारत से भी लगे हैं, वो तो उनकी फितरत में है। मुझे लगता है कि समय आ गया है कि विजयादशमी का त्योहार जो है हम जो है अच्छी तरह से मनाएंगे, और ये अब मेरा इशारा काफी है कि विजयादशमी के पहले ये सब मामले सुलट जाने चाहिए। जी, जी, या तो बातों से हो, बातों होंगी तो ऊपर पीएम और चीनी प्रीमियर पे होंगी, और नहीं तो जो है रफेल और इन सब का ऑल आउट एफर्ट्स जो हमको करना पड़ेगा, हमें ही पहल लेनी होगी इसको खत्म करने की। जी, चीन से ये जंग तो भारत जीत जाएगा, लेकिन राजनीतिक मेहमानों से मेरा आग्रह है, आपको अगर लड़ना है तो संसद बनी है, ये वक्त नहीं जब हम आपस में लड़ें, क्योंकि ये वक्त एक राष्ट्रीय विचार का है। मेजर जनरल JKS परिहार, विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी, मेरे सहयोगी आशीष सिंह, मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़े, मेरे साथ साधना भारती जी आप जुड़ी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही, अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।